हाँ जैन, चलिए आपका जो लोखरा सेंटर है वहाँ पे क्या हो रहा है? आपका लोखरा सेंटर किन लोगों का बना है? आर्मर लोगों का बना हुआ है। लोखरा में आपका फिजिकल चल रहा है। लोखरा का ग्राउंड आपको बता दे रहा हूँ, बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। आप नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हाँ, तो आपको क्या चल रहा है इस समय लोखरा में? सितंबर से, 1 सितंबर से आपकी रैली शुरू है। आज आपका 3 सितंबर है, यानी कि पिछले दिन का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और क्या हो रहा है, चलिए मैं बात करता हूँ। वहाँ पे सबसे पहले तो आप इंट्री करोगे। इंट्री करने के बाद बैच बन रहा है रनिंग के लिए। कितने का? 190 से 200 लोगों को, यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए 200 लोगों का अभी तक हर एक सेंटर पर बैच बन रहा है, और इस सेंटर पर भी 200 का ही बैच बना है। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ है कि जो जो लोग रनिंग को क्वालिफाई किए हैं, रनिंग को अच्छे मात्रा में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं। ज्यादा दिक्कत किस ग्राउंड पे है उन लोगों को मैं बता दूंगा। आपको इसमें रनिंग कैसे करना है, रनिंग का समझ लीजिए। आपको 3 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर वापस आना है। जैसे आप 3 किलोमीटर जाओगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आपको क्या होगा, मान लीजिए यहां से आप यहां तक गए, तो यहां पर जब जाने के बाद 3 किलोमीटर पूरा होगा, तो यहां पर आपको मिलेगा एक व्हाइट लाइन और TP लिखा रहेगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट। वहां से आपको टोकन लेना है, टोकन लेकर के वापस जाना है। 2 किलोमीटर वापस जाना है, 5 किलोमीटर हो गए, 24 मिनट में आपको पूरा करना है। काफी कैंडिडेट इसको पूरा कर ले रहे हैं। और लोखरा का ग्राउंड आपको बता दिया कि नॉर्मल है। यह किन का कमेंट का मैं अभी कुछ कमेंट अभी आप आया था, मैं अभी टॉप पे जो था आर्मी बॉय और टेक्निकल राजू करके थे, मैं उन लोगों का देखा हूँ। तो मैं कहा हूँ कि पहले इसी पे वीडियो बना के डाल दूँ, फिर उसके बाद वॉशरमैन का हो गया, RT का हो गया, इन सब AYA का हो गया, इन सब के बारे में मैं वीडियो लाऊंगा। और अगर आप इसी ट्रेड के हैं तो इसी ट्रेड और अदर ट्रेड के हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस ट्रेड के हैं तो आपको तो पूरा वीडियो को देखना ही है, ठीक है। रनिंग क्वालिफाई आपको करा दिया। रनिंग क्वालिफाई होने के बाद आपको रनिंग में पूरा भैया मेहनत लगा देना, रुकना नहीं, थकना नहीं। वैसे भी यहाँ की रनिंग कोई बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप 24 मिनट पे घर पे भी मार रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप कंप्लीट कर लोगे। सिर्फ हौसला रखना और दौड़ते रहना, और जो टैबलेट बताया था ना रनिंग कैसे करें, वो जाकर आप वीडियोज में जाके नीचे पूरा देखो लीजिएगा, मैं लिंक वंक नहीं दूंगा। हाँ, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है। कुछ लोग यार हाइट पूछ रहे हैं, हाइट कितना है? गजब गजब क्यों हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85। जो लोग और एरिया से हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया गया, उन लोगों से एक फॉर्म फिल करवा के उन लोगों को जितना सेंटीमीटर है एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। 78 से 82, 83 मेजर किया जाएगा। जो और नॉर्मल है तो उनको 80 से 85 मेजर किया जाएगा। फिर उनको जब आप क्वालिफाई कर लोगे रनिंग, तो आपको क्या मिलेगा कि गेट पास का एक पास मिलेगा, जिस पे ऊपर टॉप पे लिखा रहेगा गेट पास फॉर ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए जाना है, एक पास मिल जाएगा। वो पास कैसा रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे बना के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे कुछ एक मिनट ऐसे कुछ रहेगा, दो इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे गेट पास फॉर ट्रेड टेस्ट लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैम्प होकर के साइन रहेगा। वहाँ पे कौन है इस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो मेंबर वन में कौन है, कौन वहाँ के करा रहे हैं, उनका नाम है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल तपास कुमार। लेफ्टिनेंट कर्नल लिखा रहेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल तपास कुमार, ठीक है। तो वही हैं आपके, करा रहे हैं, उन्हीं का मोहर लगेगा, स्टैंप लगेगा, उसी को लेकर के आपको जाना रहेगा। तो आप किस चीज़ के लिए जाओगे? आप जाओगे ट्रेड टेस्ट के लिए, अंदर एंट्री मिल जाएगा। जो लोग रनिंग को नहीं निकाल पाएंगे उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को कर दिया जाएगा बाहर, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट में आज ही ट्रेड टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें भी आपके बाहर होने वाले हैं। कितने बाहर होते हैं? बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए हाँ, तो इस यहाँ थोड़ा रुकिए। रनिंग मतलब कि आपका कितने बजे से एंट्री हो रहा है? आपका एंट्री के लिए एंट्री हो रहा है आपका लगभग 5 बजे से शुरू हो जा रहा है। 7 बजे आपकी रनिंग, 7 से 7:30 के बीच में आपकी रनिंग शुरू हो जा रही है। यही हर एक सेंटर का है। मैं आपको बताया था एक पिछले वीडियो में लाइसेंस ऑफिसर का जो भी क्या अभी वहाँ पर अपडेट है, अपडेट वाले वीडियो में मैं बता दिया था कि वहां पे जो LO लोग हैं, लाइसेंस ऑफिसर लोग हैं, उन लोगों को ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया है, पहले ही मैं आपको बता दिया हूं।
कैंडिडेट वहाँ पे लाइन कितने बजे से लगा रहे हैं, आपका लाइन लगना शुरू हो जा रहा है 3 बजे से 2 बजे से और 1 बजे से लाइन लगना शुरू हो जा रहा है। जैसे वो अदर और स्टेट में जाएगा, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन लोगों का जो है या ऐसे स्टेट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट है, तो यहाँ पे लाइन तो 12 बजे से ही लगना शुरू हो जाती है। अगर आप पहले लगेंगे तो पहले रनिंग करेंगे, अदरवाइज आपको पहला बैच मान लीजिए 7:30 बजे दौड़ रहा है तो आपको फिर दिक्कत होगा, तो वहाँ पे धूप भी पहले हो जाएगा तो आपको लगेगा दिक्कत होने रनिंग करने के लिए। अगर सेकेंड बैच बनेगा, पहला बैच जो मान लीजिए 7:30 बजे दौड़ने के लिए निकला, ध्यान से सुनिए ठीक है, 7:30 बजे निकला बैच दौड़ने के लिए, तो आपका तकरीबन 45 मिनट लगभग लग जाता है, 45 मिनट लग जाता है दूसरे बैच को छोड़ने में। तो आप अपना अनुमान ले लीजिए कि लगभग 8-9-10 बज जाता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या माहौल है, उसके हिसाब से क्लियर किया करवाया जाता है वहाँ के ट्रैक को, फिर उसके बाद होता है, लंबा प्रोसीजर है। तो आप पहले बैच में रनिंग करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं दूसरे बैच में धूप ज़्यादा रहेगा, आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। चलिए अब छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ट्रेड टेस्ट के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी, ट्रेड टेस्ट पे आते हैं। तो ट्रेड टेस्ट का मैं आपको पहले ही वीडियो बना दिया हूँ ठीक है, आपको मैं एंड स्क्रीन, जब आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करिएगा उस वीडियो पे, उस वीडियो को ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो वीडियो लगेगा प्ले होने, और उस वीडियो को भी पूरा लास्ट तक देखिएगा। उस वीडियो में मैं जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, इसमें जो बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिएगा, उस वीडियो पर जाइएगा, उस वीडियो पर मैं ऐसा सेट किया हूँ कि लास्ट में आएगा, वहाँ पर आपका आएगा वेपन ट्रेनिंग का, वेपन ट्रेनिंग वाले वीडियो उसको पूरा जा करके देख लिया, जो जो उसमें बताया हूं उसको भी पूरा देख लीजिए, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं ठीक है। अब आपका आर्मरर में क्या होता है कि हथियार से संबंधित है, तो इसमें गन के बारे में पूछ रहे हैं, मेटल हो है, बुलेट है, और नाटो NATO जो बुलेट का साइज जो वहीं से निर्धारित होता है ना, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। चलिए अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो लास्ट में वीडियो आएगा उसको देखिएगा, और NCC वाले ध्यान दें, NCC वाले भैया लोग ध्यान दें, आपके पाठ में आपके लेसन में क्या है कि NCC का भी एक लेसन है, लेसन नंबर 4 शायद है, वेपन ट्रेनिंग। तो आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आप लोगों से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेंगे, और जितने भी NCC सर्टिफिकेट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ऐसे लोग चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के भी क्यों नहीं हो, ले करके जाना अपना सर्टिफिकेट, और स्टेट नेशनल वाले को तो बात ही अलग है, वो भी अपना ले करके जाइएगा सर्टिफिकेट, उसमें क्या पता आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए इनफॉर्मली आपको ट्रेड टेस्ट में, ताकि आप रिटर्न टेस्ट में बैठ सके। रिटर्न टेस्ट में आपको NCC का, स्पोर्ट्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको इसी में देने की इनडायरेक्टली इनफॉर्मली कोशिश किया जाएगा ठीक है। बता दिया, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर मुझसे बाद में मत बोलिएगा, वीडियो जो लोग आधा देखते हो, लोग आधा इन्फॉर्मेशन क्या कुछ नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, और ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दिया, आर्मरर वाले भैया लोग, आर्मी बॉय, टेक्निकल गुरु राजू, और भी काफ़ी सारे कमेंट हैं, इन्हीं लोगों का सिर्फ लिखा आया है, मुझे लिख करके मिला इन दो लोगों का, हमें कहा ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए, और आप लोगों का भैया आर्मी बॉय, टेक्निकल राजू, जब भी है आप लोग कमेंट में बताइएगा कब है आपका, किस दिन है ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, हाँ, और नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो आ रहा है ना स्क्रीन पे, आप इस वीडियो को जाइए क्लिक करके देखिए। जय हिंद।